आज के वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वॉल्यूम 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हाईलाइट सेल रूल्स ऑप्शन के ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स रिडक्ट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यूज शायद हम पिछले वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हम यूज़ में लेंगे। सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा डाला हुआ है, जैसे जयपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। यहाँ पर देखिए, जो जयपुर सिटी है उसको मैंने गलती से दो बार टाइप कर लिया है। इस तरीके से यदि मैंने इस तरीके के डेटा जो कि मैंने एक से अधिक बार टाइप किए हैं उनको यदि मुझे मार्क करना हो, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जा कर के और डुप्लीकेट वैल्यूज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, वैसे ही देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें जितनी भी होंगी वो सब मार्क हो जाएंगी। और यहाँ पर हम अगर इसे ओके करेंगे तो ये वैल्यूज़ मार्क हो जाएंगी। और यदि इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें रिमूव करना हो तो हम क्लियर रूल्स में जा कर के क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स ऑप्शन को यूज़ में लेंगे। और यहाँ पर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया था वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में अब वापस हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर आते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये मैंने कुछ वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ डाली हुई हैं और इन वैल्यूज़ में इस तरीके से काफ़ी वैल्यूज़ आपके पास हैं और आप यहाँ पर उन वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कि जो टॉप की 5 वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी 5 वैल्यूज़ हैं उन्हें आप मार्क करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले आप इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएं और देखिए यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 10 वैल्यूज़ को बाई डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर रहा है, जबकि हमें सबसे बड़ी 5 वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर 10 की जगह 5 लिखें। अब देखिए जो सबसे बड़ी 5 वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मार्क हो गई हैं। इसी तरीके से अगर आप टॉप की फर्स्ट वैल्यू को मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपको पॉइंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये एक्शन मुझे अप्लाई नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। अब मुझे उन डेटा को हाईलाइट करना है जिन जो कि सबसे छोटी 5 वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको बॉटम 10 आइटम्स पे जाना है। और देखिए अभी सबसे छोटी 10 वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमें सबसे छोटी 5 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, तो 10 की जगह पे आप 5 करें। और देखिए अब यहाँ पर सबसे छोटी 5 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ अगर आप ये मार्क करना चाहते हैं कि जो वैल्यू सबसे छोटी है तो उसके लिए यहाँ पर आप 1 करें, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पर मार्क हो जाएगी। और यहाँ पे सपोज़ करें मैंने इसको अप्लाई करा दिया है और मैं यहाँ पर 1 की जगह अगर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर इन डेटा में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 15 है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल मार्क हो रहा था उसकी जगह पर यहाँ पर A9 सेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर्म और डिस्प्ले कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टॉप 10%। पहले हम इस रूल को क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे टॉप की 30% के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें हाईलाइट करना है, तो यहाँ आपको फोकस करना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको ये 1% लेगा और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 100% लेगा। तो जो टॉप का 30% यानी कि जो 71 से लेकर 100% के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मार्क करने के लिए टॉप बॉटम रूल्स में आप टॉप 10% पे हैं और यहाँ पे आप टॉप 30% कर दीजिए, तो जो भी टॉप 30% के अंदर वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे मार्क हो जाएंगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए यहाँ पर 100% मैंने बोला है ना कि 100 के ऊपर, तो यहाँ पर यह 145 को 100% लेकर के चल रहा है और 15 को 1% लेकर चल रहा है। इसका इंटरनल कैलकुलेशन है, उस हिसाब से इसने हर एक वैल्यू को 1% डिसाइड किया है। और यहाँ पर जब मैं टॉप 30% की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 71 से लेकर के 100% के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको यह मार्क कर रहा है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो ओके कर दूँगा, और अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यदि अगर मैं बॉटम 10% में हूँगा तो ये सबसे छोटी 10% के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं 1 to 10% उसको मार्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं 1 to 30% को लेना चाहता हूँ तो यहाँ 30% करेंगे। तो बॉटम 30% का मतलब है कि 1% से लेकर के 30% तक जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको यह मार्क कर देगा। इसके बाद देखिए हम इन डेटा का एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज निकालने के लिए आप किसी ब्लैंक सेल पे क्लिक करें और वहाँ पर इक्वल लगाएं, क्योंकि कंप्यूटर में इक्वल साइन से ही हर एक फार्मूला स्टार्ट होता है। इसके बाद आप एवरेज लिखें, तो यहाँ पर एवरेज मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, शिफ्ट के साथ आपको 9 प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रेंजेस को ड्रैग कर देना है जिसका मुझे एवरेज निकालना है। तो देखिए जैसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर A1 से लेकर के A15 तक का रेंज आ गया है, और यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को बंद करूँगा। ब्रैकेट बंद करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आप 0 की को प्रेस करें और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए इन डेटा का एवरेज 62.8 आ रहा है। अब अगर मुझे उन डेटा को हाईलाइट करना है जो कि इस एवरेज से ऊपर हैं, तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट सेल सॉरी टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएं और अबव एवरेज कर दें। जैसे ही आप अबव एवरेज करेंगे वैसे ही 62.8 से जो भी वैल्यूज़ बड़ी होंगी वह ऑटोमेटिकली यहाँ हाईलाइट हो जाएंगी। अभी सेक्शन को मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप बिलो द एवरेज वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप जाएं बिलो द एवरेज, और यहाँ पर 62.8 इन डेटा का एवरेज है, इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट हो रही हैं। ओके करने पर ये एक्शन अप्लाई हो जाएगा। रिमूव करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स अप्लाई कर देना है। ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं, आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम एक वीडियो और बनाएंगे।